गुड मॉर्निंग, होप आप सब अच्छे हो। हम भी बहुत अच्छे हैं और बहुत मजा आ रहा है। सो आज हमारा फोर्थ डे है या चौथा दिन है? हाँ, हो चुका है हमारा चौथा दिन है और आज हम आपको और बहुत ही सुंदर जगह दिखाने वाले हैं। उस जिसका नाम है सरथल। वो यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, अराउंड 50 to 60 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में आपको व्यू भी दिखाते हुए चलेंगे और हर जगह का अपना ही मज़ा है। सब सेम सी जगह नहीं है, कहीं कुछ और व्यू है, कहीं कुछ और व्यू है, कहीं का रास्ता कुछ और है कहीं का, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मस्ट विजिट प्लेसेस हैं ये सारी, इसलिए हम सारे के सारे ब्लॉग बना रहे हैं। वैसे मेरा पावर लिफ्टिंग का चैनल है पर मैं अपनी ट्रैवलिंग भी दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको पावर लिफ्टिंग के साथ साथ रिलैक्स भी होना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे पावर लिफ्टिंग में भी घुसे रहोगे तो माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगी। सो रेस्ट भी लेना चाहिए बट डोंट क्विट। तो पंचर आप देखें, टायर में लग चुके थे कील, तो पंचर अभी लगवाया है। सब कुछ चेक करते हुए चलना चाहिए। कोटा लास्ट ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा पदरी वाला, वो उस साइड अपोजिट वाली पहाड़ी पे था। तो जो कल आपको हमने वहाँ से दिखाया था लास्ट ब्लॉग में कि हम अगले दिन वहाँ जा रहे हैं जो बर्फीला पहाड़ था, तो आज वहीं जा रहे हैं। आज के ब्लॉग खास ही बनेगा। बर्फ देखिए गाइस, बर्फ। तो गाइस अभी हुआ ऐसा है कि हम आए हैं छत्रकला टॉप पे, जिसकी एल्टीट्यूड आप देखिए 3510 मीटर की है। तो ये पड़ता है पसोली के 5 किलोमीटर में। बात अब ये है कि वहाँ देखिए लैंडस्लाइड हो रखी है, काम चल रहा है। अभी रास्ता क्लियर होगा उसके बाद ही हम जा पाएंगे। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा पॉसिबल नहीं है गाड़ी निकालना। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, 2-3 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो इंतज़ार है जल्दी से जल्दी रास्ता क्लियर हो और हम निकले। तो देखते हैं भी कितना टाइम लगेगा, उनके अप्रोक्सीमेटली कहने का मतलब घंटा लग जाएगा। व्यू देखें और यहाँ की हवा देखें आप, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी हवा की माइक में। तो ये देखें आप, तो फाइनली रास्ता क्लियर हो चुका है और हम निकलेंगे अब अपने अगले सफर के लिए। हमारा ही है, 5 मिनटों में बटेगा अब सर्कल। मजाक कर रहा हूँ यार, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आधे लोगों की प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूँ जो भी इंडिया एक एक बंदा है ना, उसको सर्कल आना चाहिए, नेचर का मजा लेना चाहिए। साइन ऑफ विक्रम जी से, स्टे ट्यून ब्रो। ये देखिए आप, क्या है ये बताइए ना। सर्कल सर, ये डिब्बों में, डिब्बों में मधुमक्खी वहाँ मधुमक्खी डिब्बे में सर, इनमें डिब्बे में मधुमक्खी, यहाँ जो इन डिब्बों में, हाँ इनसे शायद बनता है मधुमक्खियों से, इन डिब्बों में। तो फाइनली सरथल हम पहुंच चुके हैं। तो अभी आप व्यू देखें हर जगह से, एक वन
यहाँ पे हर कोई चीज मिलेगी यहाँ पे आपको। ठीक है, उसका नाम लिख सकते बीप आना पड़ेगा उसके लिए इसमें। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ठिकाने पे और रूम अपना सेट हो चुका है और हमारा सेटू बहुत खुश हो। अभी देंगे आपको रूम टूर, फैले हुए बंदे खुले रूम में, रूम बहुत बड़ा 5-star रूम है, 5-star आइए रूम का 5-star रूम टूर देंगे, दिखाते हैं। चलो आपको बिल्कुल आ रहा है किसी का दलाना वो नासिक के पास। अभी देंगे आपको रूम टूर अंकल। अंकल एक मिनट आना, एक मिनट। ये है अपना रूम जिसकी विंडो व्यू देंगे अभी आपको, तो ये देखें। तो अंकल का अंकल इधर वो करके हमारा अच्छा। आप लोगों अगर सरतर आना है तो नासिर जी के यहाँ पे आना, नजीर यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सारी चीजों का इंतजाम हो जाएगा और बहुत बढ़िया है सब कुछ, हमें सारा इंतजाम करके दिया अंकल ने। नसीर अहमद है अंकल जी का नाम, बहुत ही मदद की इन्होंने हमें। तो आप लोग भी अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो इनके पास आ जाएं, किसी को भी इनका नाम पूछ लें आपको इनके पास ले आएंगे। तो ये है पीछे से रूम का व्यू, ये देखें पूरे दिन का फैट हो गया पूरा। तो आइए देसी बर्फी खाइए और मोटे हो जाइए, और पीछे आप MBD की सोशल साइंस पढ़िए जो कि मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। आपको ठीक है अभी पसंद सोशल साइंस? हो गए पढ़े हुए, पढ़ लो पढ़ाई की बातों में फिर छोटी पढ़ाई। तो यहाँ की मार्केट दिखाएं जरा आपको, तो ये देखिए मार्केट, यहाँ आपको प्योर बर्फी मिलेगी, प्योर खोए की बर्फी। ये रहे लोहार, तो यहाँ पे हमारे बीच में हलवाई आ चुके हैं, देसी हलवाई मिस्टर, साथ में इनका बीड़ी का पैकेट पड़ा हुआ है। ये देखिए साथ में ये बीड़ी 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 ए बीड़ी तो पहले। ये क्या बना रहे हैं सर आप? खोआ बन रहा है, देसी खोआ। अच्छा, इसको क्या करेंगे फिर? इसको भी बर्फी में डालेंगे, बर्फी बनाएंगे। अच्छा अच्छा, तो व्यू देखें यहाँ पे लोग इस समय, यहाँ है पत्थर ही पत्थर, वहाँ है पेड़ ही पेड़, वहाँ है सपाट ही सपाट, और वहाँ है बादल ही बादल। तो जो है ज़्यादा है एक ही जगह है। तो अभी हम जा रहे हैं इस साइड, क्यों? क्योंकि भैया लोग सब लोग वहीं पे जा रखे हैं, तो हम थोड़ा वीडियो स्पेस का इशू बन गया था तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में लगे हुए थे। तो भी देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पानी की आवाज़ आती जाएगी। और एक और चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, मैं तब से आपको स्लाइड्स में ही दिख रहा हूँ, हुआ ऐसा है कि हम शूज़ लाना भूल चुके हैं। ए हाँ, पता नहीं था, यही कर रहे, कोई किसी का सगा नहीं है।